आज हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे टीवीएस अपाची आरटीआर 164 बी बीएसएस को पल्सर एनएस 160 बीएसएस के साथ। तो आरटीआर में हमें मिल जाता है 159.7 सीसी का 4 वाल्व लिक्विड कूलिंग सॉरी ऑयल कूलिंग आरटीएफआई एसओएससी विथ पेटेंट रेस ड्राइव इंजन O3C के साथ में। इसको आरटीएफआई कहते हैं कंपनी एफआई को, और जीडीटी भी इसमें मिलती है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। इसमें जो पावर है 16.02 पीएस की पावर 8250 आरपीएम पे, और 14.212 एनएम के टॉर्क 7250 आरपीएम पे। और एनएस में यहाँ पे हमें मिल जाता है 160.3 सीसी का स्टॉक एसएससी 4 वाल्व ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क बीएसडी डीडीएस आईएफआई इंजन, जो जनरेट करती है 70.2 पीएस की पावर 9000 आरपीएम पे और 14.6 एनएम के टॉर्क 7250 आरपीएम पे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो पावर है वो एनएस में ज़्यादा है, और जो आरटीआर का पावर है वो पहले जनरेट करती है। पर जो एक्चुअल में आप लोग अगर देखेंगे तो आरटीआर की जो थ्रिल है वो ज़्यादा है, जो क्विक पावर है वो ज़्यादा रहती है। पर ओवरऑल जो टॉप स्पीड अगर देखेंगे तो एनएस में थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी। टायर की बात करें तो फ्रंट में आप लोग को आरटीआर में मिल जाता है 90x97 इंच का टायर, और रियर में मिल जाता है 90x97 इंच का टायर। वहीं पे एनएस में हमें मिलता है 90x97 इंच का फ्रंट में टायर, और 120x87 इंच का टायर रियर में मिलता है। तो हमें ज़्यादा चौड़ी टायर हमें एनएस में मिलता है। डिस्क साइज की बात करें तो फ्रंट में हमें आरटीआर में 270 mm का डिस्क मिलता है, और रियर में डिस्क और ड्रम दोनों आता है। तो ड्रम हमें 130 mm का मिलता है, और डिस्क मिलता है 200 mm का एयर आरटीआर में। और एनएस की बात करें तो 260 mm का डिस्क हमें फ्रंट में मिलता है, और सिंगल चैनल बेस में हमें 300 mm का डिस्क फ्रंट में मिलता है और 230 mm का डिस्क रेयर में। फ्यूल टैंक की बात करें दोनों की, तो 12 लीटर की फ्यूल टैंक दोनों बाइक्स में आती है। कार्बेट की बात करें तो आरटीआर की जो कार्बेट है वो 147 kg है ड्रम के साथ, और डुअल डिस्क वाले मॉडल में 149 kg की कार्ब वेट है। और अगर एनएस की बात करें तो 151 kg का कार्बेट है। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है आरटीआर में, और 177 mm का है एनएस 160 में। व्हील बेस की बात करें तो 1357 mm का व्हील बेस है आरटीआर में, और 1372 mm का ग्राउंड सॉरी व्हील बेस है एनएस 160 में। तो यहाँ पे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है आरटीआर, और ज़्यादा लंबी आप लोगों को एनएस 160 मिलेगी। दोनों की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 1 लाख रुपये एक शोरूम प्राइस करती है आरटीआर 160 सिंगल डिस्क वाली मॉडल, और डुअल डिस्क वाली मॉडल 1,04,000 एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से। और एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से एनएस कॉस्ट करती है सिंगल चैनल एबीएस वाली 94,000 रुपीज़। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर पैकेज की बात करें तो ज़्यादा बेहतर लेकिन एनएस 160। और ओवरऑल अगर आपको बाइक लेनी है इन दोनों में से एक, तो टेस्ट राइड लेके पहले देखिए, एक ही दिन में दोनों बाइक के टेस्ट राइड लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोगों को डिफरेंस पता चल पाएगी कि आप लोगों को कौन सी बाइक ज़्यादा सूटेबल है, कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है चलाने में, किस बाइक की ज़्यादा पावर बढ़िया लग रही है। स्पीडोमीटर की बात करें तो आरटीआर में हमें ज़्यादा अच्छे स्पीडोमीटर मिलता है, जहाँ पे एनएस में जो स्पीडोमीटर मिलता है वो काफ़ी बेसिक है। हालांकि मुझे पर्सनली एनएस वाला स्पीडोमीटर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसे एनालॉग और डिजिटल दोनों मिक्स दिया गया है। और आरटीआर में जो स्पीडोमीटर है वहाँ पर थोड़ी सी एडवांस फीचर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सर्विस रिमाइंडर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और टॉप स्पीड कितनी गई है, और 0 to 60, ये सारे फीचर हमें वहाँ पे देखने में मिल जाती है। तो होप करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलता है हमें इस वीडियो में, तब तक बी सेफ राइड सेफ।